हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरह से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गाड़ी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी ये सारी सैपलिंग दिखा रही हूँ जो कि मैंने विंटर सीजन के लिए तैयार किया है। इन सब को मैंने एक छोटे पॉट में अलग अलग करके थोड़ा दूर दूर करके लगा दिया, तो देखिए कितनी तेज़ इसकी ग्रोथ हो गई है। और जो नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं, छोटे छोटे से ग्रो बैग है, कुछ को मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया है, इसी तरह से मैंने लगा दिया है, क्योंकि विंटर सीजन में पॉट्स की कमी हो जाती है। एक गार्डनर के लिए जितने भी पॉट्स हों फ्रेंड्स, उतनी ही कमी हो जाती है, और विंटर सीज़न में फ्लावर ज़्यादा ही खिलते हैं, तो उनके लिए पॉट लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए अभी भी छोटे छोटे से ये दही के जो छोटे छोटे से पॉट आते हैं, उनमें मैंने ये देखिए, ये हॉली हॉक का है, ये सीजनल फ्लावर अभी भी मैंने मेरे लगे हुए हैं। कुछ को तो मैंने ये शिफ्ट कर दिया है, और कुछ अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। जैसे जैसे पॉट मेरे खाली होंगे, वैसे वैसे मैं इनको लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ये, इसको मैंने क्रैनबेरी हिबिस्कस का, इसको मैंने पॉट खाली करके इसको मैंने लगा दिया है। और इधर ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा हॉली हॉक है, उसको मैं पहले ही लगा चुकी थी, तो देखिए उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और ये मैंने डहलिया, इसको भी मैंने ये शिफ्ट कर दिया है एक पॉट में। कुछ मैंने छोटी छोटी सी कटिंग जो मैंने लगाया था मैरी गोल्ड की, जाफरी मेरी गोल्ड है, इसको मैंने पॉली बैग में लगा दिया, तो देखिए अब इसमें भी ये कलियाँ आने लगी हैं। और इधर मेरी गुलदावरी है सारी, सब में देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं, और कलर भी समझ में आने लगा है कि कौन सा कलर है ये। जहाँ फ्रेंड्स इसमें कलियाँ आ रही हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये देखिए इसमें काले काले कीड़े ये देखिए इसमें लगने लगते हैं। तो इसके लिए आप हो सके तो हाथ से ऐसे यूं करके इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब इसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो कलियों के ऊपर पड़ेगा, तो कलियां ख़राब हो सकती हैं। अगर ज़्यादा है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग अब इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी भी सूख रही हो तभी इसमें वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब ये फुल फ्लावरिंग पर है। ये ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके फ्लावर बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगेंगे, ये और प्लांट्स भी ख़राब होने लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स गुलदावरी का अब ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और इसको फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। जितने इसको फुल सनलाइट देंगे उतनी अच्छे इसके फ्लावर का कलर निखर करके आएगा। ये मेरे डैंथस हैं, ये देखिए इसमें फ्लावर आना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। और जैसे ही फ्रेंड्स इसके फ्लावर आ चुके हैं, उनकी फ़ौरन पिंचिंग करते रहना चाहिए। पिंचिंग कर देने से क्या होता है कि उतने ही ये बुशी होगा, और आगे चल करके उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होंगी। और रोज़ प्लांट का तो इस सीज़न में ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हर 15 डेज़ में इसकी गुड़ाई करना चाहिए। जितनी गुड़ाई करेंगे उसमें देखिए नई नई शूट आने लगती है, उसमें बड्स आती है। और रोज़ प्लांट जो है हैवी फीडर होता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र भी देते रहना चाहिए। ये मेरे ग्लैडुलस के प्लांट है जो मैंने लगाया था, ये देखिए इसमें अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। अब ये दिसंबर में इसके फ्रेंड्स फ्लावर, ये देखिए फ्रेंड्स, ओ फ्रेंड्स मैंने देखा नहीं था, ये देखिए इसमें कितनी सारी ये देखिए इसमें ये कलियाँ, ये अभी मैंने इसको ख्याल किया, ये देखिए इसमें कलियाँ आने लगी, ये देखिए चारों तरफ इसमें ये कलियाँ हैं, ये देखिए ये ग्लैडुलस की। इसमें भी फ्रेंड्स लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देते रहेंगे तो इसमें बराबर ये कलियाँ आएंगी, फ्लावर बहुत अच्छी तरीके से निखर करके आते हैं, फ्लावर का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरे टमाटर हैं सारे, कुछ गुलदावरी में तो ये देखिए फ्लावर खिल चुके हैं,
और अभी भी देखिए खिल रहे हैं, और सब में कलर ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों में फ्रेंड्स गार्डन में बाहर ही बाहर होगी। इस मैरीगोल्ड कलर फ्रेंड्स मुझे बहुत ही पसंद है ये, और ये येलो देखिए ऑरेंज और ये येलो, इसका साइज कितना अच्छा है ये। और ये सेल्विया के प्लांट की भी मैंने ऊपर से पिंचिंग कर दिया था, तो पिंचिंग कर देने से क्या होता है कि ये प्लांट बुशी हो जाएगा, उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। देखिए यहाँ से मैंने कर दिया तो साइड साइड से इतनी निकल आई है, नहीं तो फ्रेंड्स ये एक ही डाल उस निकलती और एक ही डाल में फ्लावर आता, और यही हिबिस्कस में तो अभी भी फ्लावर हो रही है फ्लावरिंग इसमें। देखिए ये हाइब्रिड है, मैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये मुझे दे रहा है ये, और उतनी ही इसमें बड है, ये खिल चुका है, इसको मैं यहाँ से तोड़ दूँगी। कितना खूबसूरत है ये कॉक्स काम का फ्लावर फ्रेंड्स, बिल्कुल वेलवेट की तरह से, और ये अभी ये खिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।